कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट आपको देंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यानी कि बड़ी अपडेट ये है कि कुछ समय पहले विभाग ने ऑफिशियल आंसर की मास्टर क्वेश्चन पेपर और एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। तो चलते हैं हम उस प्रेस नोट की ओर, जहां पे देखिए ये अभी अभी प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें है प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। अगर आप कोई क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगता है, आपको संशय है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और मास्टर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मास्टर क्वेश्चन पेपर जिसकी आंसर की जारी हुई है वो मास्टर और फर्स्ट आंसर की लाइब्रेरी यानी कि पहली आंसर की, उसके बाद हो सकता है ऑब्जेक्शन के बाद इसमें कुछ बदलाव किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट इसमें की है। अगर आपको कोई प्रश्न में संशय है इस आंसर की के अनुसार, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट पर, विभागीय वेबसाइट पर आपको ये आंसर की, ये देखिए तीनों प्रेस नोट आपको मिल जाएंगे, और ये है क्वेश्चन पेपर मास्टर और ये है आंसर की। ये देखिए ये आंसर की उस मास्टर क्वेश्चन पेपर की है, ये ध्यान देने योग्य है। तो देखिए इसमें सभी 150 क्वेश्चन के यहाँ पे उत्तर जारी किए हैं, आंसर की जारी कर दी गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में संशय लगे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत उत्तर जारी कर रखा है विभाग ने, तो आप उसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। उसके लिए आपको ये एक विभागीय नोट है, प्रेस नोट है, आपको इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। और इसमें लिख रखा है कि आप SSO ID से, जिसकी शुल्क है जो 100 रुपए है, ई मित्र पेमेंट गेटवे या किसी भी तरह आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपत्ति का लिंक केवल 30/9/2020 से 2/10 को रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध है, इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि जो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आपको लगाने हैं, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को अध्ययन करें। आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत जारी किया गया है, तो आप विभागीय वेबसाइट पर 30/9 से लेकर 2/10 तक रात्रि 12 बजे तक है, तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप भूलवश भी अगर ज्यादा राशि जमा करा देते हो तो उसका क्या होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखें। और ये आप आंसर की, विभागीय आंसर की है, जो आप विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है मास्टर क्वेश्चन पेपर, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मिलाने के बाद अपने क्वेश्चन कितने सही होते हैं और आपके अनुसार मेरिट कितनी जा सकती है, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।